हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ, एक पिजन का इंडक्शन है जो 1800 वाट की है, इनकी डेमोस्ट्रेशन को लेकर के। चलिए देखते हैं कि आखिर ये चलती कैसे, इन्हें ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होता है इन्हें यूज़ करने में, इन्हें ऑपरेट करने में उनके पास प्रॉब्लम होती है कि वो चलाए कैसे। तो हम आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले हम प्लग को इन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्लग जैसे हम इन करें यहाँ पर लाइट जल गया। सबसे पहले हम यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करेंगे जो कि करंट पास होते हैं। जैसे ही आप पावर बटन पर प्रेस करेंगे तो जो इंडिकेटर में इंडिकेट हो रहा है ईओ, इस तरह की आपकी भी इंडक्शन में इंडिकेट होगी। तो बिना कोई बटन को प्रेस किए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पेन को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसके ऊपर रखा, आप देखें यहाँ पर वोल्टेज शो करने लगा, है ना, जो टेम्परेचर है वो शो करने लगा। अगर 1000 से अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ानी है तो आप इस बटन से टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो प्लस बटन लिखा हुआ, हमारी 1800 वाट की है तो इसकी एंडिंग 1800 वाट की है, हमने इसे बढ़ा दिया। अगर आप इसे घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम किन चीज़ों में कितना टेम्परेचर दें। तो जब आप इस इंडक्शन को यूज़ करेंगे, है ना, तो आपको दिनों दिन जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें किन चीज़ों के लिए कितना टेम्परेचर देनी चाहिए। अब आते हैं इस बटन पे, ये क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइमर लिखा हुआ है, ये टाइमर बटन है। इससे आप ये सेट कर सकते हैं कि आखिर किसी भी चीज़ को बनाने में कितना टाइम तक हम उसे कुक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। चाय हो, है ना, दूध हो, पानी हो, तो जब आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस पर 20 मिनट कर दिया तो 20 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, है ना। अब आते हैं ये सभी चीज़ों पे, आखिर ये सब क्या है। किसी में इडली लिखा हुआ है ना, किसी में ड्राई फ्राई लिखा हुआ है, किसी में डोसा लिखा हुआ है, किसी में हीट मिल्क है, करी है, सॉल्ट है ना, प्रेशर कुक है। तो ये सब चेंज करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना होगा, ये जो बटन लिखा हुआ है ना, यह फंक्शन बटन है। इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो सिस्टम यहाँ से चेंज होगा, जिस तरह से जितना कुक चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसी पर रखता हूँ, डीप फ्राई पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो गाइज, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक चीज़ें जिनका अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें क्या है कि जब भी आप इन्हें यूज़ करें तो यूज़ करने के तुरंत बाद आप इन इस पेन को आप टच ना करें। अगर हम इन्हें नीचे करते हैं तो हम तुरंत उस पेन को टच ना करें। अभी हम वोल्टेज घटा देते हैं ताकि पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो रही है उसी हिसाब से, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो जैसे कि आप देख रहे हैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पर टेम्परेचर का, तो यहाँ पर आप जाकर के करेंट वोल्टेज में जाकर के आप नाप सकते हैं कि वोल्टेज क्या चल रही है। आप देख रहे हैं इंडिकेट कर रही है। और जब भी ये हो जाए तो इसे कोई प्रोसेस नहीं है, सिंपलिसिटी से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। डायरेक्ट पावर बटन पे जाएं और इस पावर बटन को ऑफ कर दें। जैसे ही आप पावर बटन को ऑफ कीजिएगा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये हमारा सेकेंड चैनल है, जैसे कि आप देख रही है हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, तो अपना ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास ला सकें। ये चैनल हमारा रोशन 360 के नाम पर है और इस चैनल को हमने इसलिए बनाया है ताकि इसमें हम हर तरह का वीडियो को अपलोड कर पाए। थैंक यू, जय हिंद।